नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पीटी। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे किरण। एक बार लेकर आ गई हूं फिर से एक खास खबर। और आज की जो खास खबर है वो है सीधे महाराष्ट्र से। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति से हम एक खास खबर लेकर आए हैं। महाराष्ट्र की अगली कमान किसके हाथ में होगी, इस सवाल पर अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट आए थे जिसमें महायुति ने महाविजय हासिल की। परिणाम के बाद से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम आखिर होगा कौन। सीएम के नाम पर चर्चा के बीच 28 नवंबर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दिल्ली में गहमा गहमी का माहौल था। अमित शाह ने भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के तीनों राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली में मुलाकात का दौर चलने के बाद भी अभी तक सीएम के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। इसी बीच अमित शाह के आवास से एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिससे सोशल मीडिया पर हलचलें तेज हो गई हैं। इस फोटो को भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल से शेयर किया है, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार और तेज हो गया है। वो कहते हैं ना, एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है और सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर ऐसा ही कुछ बयां कर रही है। दरअसल इस फोटो में गृह मंत्री अमित शाह भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर एक मंद मंद सी मुस्कान नजर आ रही है जो बयां कर रही है कि महाराष्ट्र का महानायक जो है वो फाइनल, उस पर बातचीत हो गई है। वही फोटो में एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं दूसरी तरफ, जिनका चेहरा बहुत ही उदास दिख रहा है, थोड़ा सा उतरा हुआ चेहरा दिख रहा है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की बागडोर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ही संभालेंगे। दूसरी ये बात भी सामने आ रही है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो गृह विभाग भी उन्हीं के पास रहने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में दो उप मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के नाम पर मुहर लग सकती है, जबकि वित्त विभाग, एनसीपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को यूडीए और पीडब्ल्यू का भार सौंपा जा सकता है। बहरहाल अभी तक की जो हमारे पास अपडेट है तो अभी तक तो महाराष्ट्र का सीएम फाइनल नहीं हुआ है। हो सकता है आज महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वो साफ हो जाए। एक और अपडेट के साथ मैं आपसे फिर से जुड़ूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हाँ, सुनते रहिए रेडियो पीटी। रेडियो 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 पीटी।